दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इन्फिनिक्स ने आज ही एक फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 10S। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड माय फर्स्ट इम्प्रेशन भी देने वाला हूँ कि ये फोन क्या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है आपके लिए, ये फोन कैसा है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या फीचर आपको इस फोन मिलता है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज में इंटरेस्ट है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम जब भी एक नया वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। पहले मैं इस फोन की बॉक्स को खोल लेता हूँ। देखिए ऐसा कुछ है फोन दोस्तों, करते हैं इस फोन की सब कुछ डिटेल में, ठीक है। इस फोन की डिस्प्ले की अगर बात करें, इस फोन में आपको मिलता है 6.8 इंच का एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दोस्तों, ठीक है। और ये 90Hz रिफ्रेश रेट है, 90Hz, ठीक है। और दोस्तों स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, मतलब प्रोसेसर, इस फोन में आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर मिलता है, ठीक है। और ये Android 11 बेस्ड है, MediaTek Helio G85 प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन की अगर बैटरी की बात करें, एक इस फोन में आपको मिल जाता है 6000 mAh की एक लंबी बैटरी और 10 वाट का एक चार्जर, बहुत ही स्लो चार्ज होगा, ये एक प्रॉब्लम है इस फोन की, पर ये बाद में फिक्स हो भी सकता है, ठीक है। तो 10 वाट का चार्जर आपको मिलता है और ये दोस्तों ये 18 वाट चार्जर को सपोर्ट करता है, पर इसमें दिया है 10 वाट चार्जर बॉक्स में आपको मिल जाता है। और इस फोन को, ये फोन 18 वाट चार्ज को सपोर्ट करता है चार्जर को। गेम भी आप इस फोन में बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हो दोस्तों, ठीक है। गेम भी इस फोन में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं नहीं बोल सकता, बट इसकी प्राइस के हिसाब से इस फोन में गेम बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हो इसकी प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों इस फोन की रैम और रोम की बात करें, इस फोन में आपको मिल जाता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 64GB स्टोरेज, ये दो वेरियंट आपको इस फोन में मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन की अगर कैमरा की बात करें, इस फोन के पीछे आपको मिलता है 48MP का मेन कैमरा, उसके बाद आपको मिलता है 2MP प्लस AI लेंस, मतलब मेन है यहाँ पर 48MP, फ्रंट में आपको मिलता है 8MP का कैमरा, ठीक है। और सेंसर की अगर बात करें, इस फोन में आपको मिल जाता है पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का भी सपोर्ट आपको इस फोन में मिल जाता है। और दोस्तों अगर प्राइस की बात करें, इस फोन में आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक 464 और 664। 464 वेरिएंट वाला जो फोन है उस फोन का प्राइस है 9999, मतलब 10,000, और 664 वाला प्राइस है 10999, मतलब 11,000 की करीब, ठीक है। और दोस्तों अगर इस फोन की फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें, मतलब ये फोन कैसा है, मुझे कैसा लगा, आपको क्या ये फोन खरीदना चाहिए कि यह बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, है दोस्तों ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो, क्योंकि इतना कम प्राइस में, और इन्फिनिक्स में देख रहा हूँ, मतलब जो भी फोन लॉन्च करता है बहुत ही कम प्राइस में अच्छा स्पेक्स के साथ देता है, और इतनी बड़ा आपको 6.8 इंच का एक लंबा स्क्रीन मिलता है, फुल HD प्लस नहीं HD प्लस, फिर भी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा, सिर्फ चार्जर थोड़ा स्लो है 10 वाट, बाकी इस फोन की अगर देखा जाए सही स्पेक ज़्यादातर अच्छा ही है। प्राइस के हिसाब से इस फोन को डेफिनेटली पसंद कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के पास, ताकि आपका दोस्त भी जान सके इतना कम प्राइस में इतना अच्छा फोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मैं आपको बोल सकता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा, अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल पर नए हो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।